स्टडी वी डेल्ट विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस को और कुछ टेस्ट सीरीज में जो दिए गए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन हमारा विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट. ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है. और ये बोल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे और जो वैदिक पीरियड्स के लोग थे उनके कल्चर में क्या डिफरेंस है. पहला स्टेटमेंट है ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल्स एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर वेयर इज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि IVC के लोग जो थे वो पीस लविंग लोग थे. ठीक है, और वो सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे. तो जब वहाँ पे पीस लविंग थे, कोई वार का ऐसा एविडेंस ही नहीं मिला है, तो वार वो कैसे करेंगे. जबकि ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, ये इनका यहाँ पे एविडेंस मिला हुआ है कि ये वार वगैरह में जो है इनको इंटरेस्ट था. ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. सेकंड बोल रहा है ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर इज द इंडस वैली पीपल न्यू ओनली द कॉपर एंड आयरन. देखो, हमने पहले पढ़ा कि जो IVC के लोग थे वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे. ठीक है, आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे, ना तो वो लायन के बारे में जानते थे. तो हमारा ये सेकंड जो बोल रहा है स्टेटमेंट इंडस वैली पीपल न्यू द ओनली कॉपर एंड आयरन, ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड गलत है. हम अगर सेकंड हम कट कर दें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी हमारा कट हो जाएगा. फिर थर्ड में बोला है ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेर देयर इज नो एविडेंस ऑफ हॉर्स एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ द एनिमल. देखो हॉर्स का, देखो ऋग्वेदिक आर्यंस में हॉर्स तो मिलते ही थे, लेकिन हमने पढ़ा था कि इंडस वैली IVC में एक ही प्लेस है जहाँ पे हॉर्स के रिमेंस मिले हैं, दैट इज द सुरकोटोडा. सुरकोटोडा में जो है वो हॉर्स का रिमेंस मिला हुआ है. तो ये स्टेटमेंट में गलत हो जाता है. जब रिमेंस मिला हुआ दैट मीन्स कि वो यूज़ करते थे हॉर्स को. तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन क्या सही होगा, ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन IVC से रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, पहला बोल रहा है, इसमें करेक्ट पूछ रहा है. पहला बोल रहा है इट वॉज प्रीडोमिनेंटली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन. देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि ये इनका कोई टेम्पल में ये पूजा नहीं करते थे. ठीक है, ये टेम्पल में वर्शिप नहीं करते थे. जो सील्स मिले हैं और जो मदर गॉडेस के जो टेराकोटा मिला है उसी से पता चलता है कि ये जो पशुपति थे उनका पूजा करते थे और मदर गॉडेस का पूजा करते थे. ठीक है, और ऐसा जो कोई मंदिर यहाँ पे, कोई मस्जिद यहाँ पे, तो ऐसा कुछ मस्जिद यहाँ पे कोई ऐसा कुछ मिला नहीं है. तो और ना ही ऐसा मिला है कि जितनी भी साइट्स हैं उनकी अपनी अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग वर्शिप करते हैं वो. ठीक है, तो ये जो पहला बोल रहा है मोर सेक्युलर, ये प्रीडोमिनेंटली सेक्युलर थे और ये बिलीव तो रिलीजन्स में करते थे, लेकिन ऐसा कोई डोमिनेंट सीन नहीं था. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. सेकेंड बोल रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल इन इंडिया. हम ये जानते हैं कि IVC के लोग फर्स्ट पीपल हैं इन द वर्ल्ड टू यूज़ द कॉटन. ठीक है, जब ये कॉटन का यूज़ करते थे तो ऑब्वियसली ये टेक्सटाइल भी बनाने में यूज़ करते रहे होंगे. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन हो गया हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक द पीपल ऑफ IVC के बारे में पूछा है. पहला स्टेटमेंट है दे पोजेस्ट ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल. हमने पहले ही पढ़ा ये टेम्पल वगैरह में ये बिलीव नहीं करते थे. ये मदर गॉडेस और टेराकोटा पे जो मदर गॉडेस का जो टेराकोटा मिला और पशुपति का सील, इसी से पता चलता है कि ये वर्शिप करते थे लेकिन टेम्पल में नहीं करते थे. तो पहला ही हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. ठीक है, पहला हम कट कर दें तो हमारे पास दो ऑप्शन कट गया. सेकेंड बोला है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डेटी. ठीक है, यहाँ पे पशुपति से हमें पता चलता है, सील से, कि ये मेल डेटी की पूजा करते थे और जो टेराकोटा मिला है उससे पता चलता है ये कि फीमेल डेटी की पूजा करते थे. लेकिन क्योंकि अब सील्स बहुत मिले हैं और हर जो है प्रीडोमिनेंट है इस सील से इमेज, तो ये पता चलता है पूजा तो ये दोनों का करते थे वर्शिप, लेकिन मेल जो हैं, मेल पशुपति, उनका वर्शिप जो है डोमिनेंट था. तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है.
ठीक है। थर्ड बोल रहा है दे इम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन द वॉरफेयर। पहले ही हम जानते थे कि पहले पढ़े हैं कि ये वॉर में बिलीव नहीं करते थे। जब ये वॉर में बिलीव नहीं करते थे तो ये वॉर कैसे करते होंगे, ठीक है। तो सेकेंड जो है ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन वनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एसोसिएटेड विद द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन से कौन सी साइट जो है सही है, ये पूछ रहा है। पहला है गनेरी वाला, सेकंड है लोथल, थर्ड बोल रहा है शॉर्ट कोक, थर्ड बोल रहा है इनाम गांव। देखो इनाम गांव अगर हिस्ट्री हम पढ़े हैं तो इनाम गांव हमारा एक साउथ इंडिया का एक फर्स्ट जो है विलेज मिला है कि जहाँ पे सबसे पहला जो विलेज इस्टेब्लिश था। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन कट कर दें तो दो ऑप्शन हमारा कट हो जाता है, ठीक है। गनेरी वाला जो है ये एक साइट है आबीसी का जो कि पंजाब में मिला है, पंजाब जो पोर्शन की अभी पाकिस्तान में है। सेकंड जो लोथल बोल रहा है, लोथल गुजरात में है इंडस वैली साइट, और जो शॉर्ट कोक बोल रहा है ये बलूचिस्तान में है। तो ये तीनों के तीनों आईबीसी के साइट हैं, बस इनाम गांव नहीं है इसमें। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। और हम कुछ साइट को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा देखो रावी रिवर पे यहाँ हमारा हरप्पा है, फिर राखीगरी है, ठीक है, राखीगरी है, यहाँ पे कालीबंगन है राजस्थान में, फिर गनेरी वाला है, यहाँ पे देखो मोहनजोदारो है, चनुदारो है, शॉर्ट कोक है, धौलावीरा है, सुरकोटोडा है, सुरकोटोडा यहीं पे जहाँ पे हॉर्स का रिमेंस मिला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला द हरप्पन वेयर नोन फॉर मेकिंग एफिशियंट वेपन, तो ये तो नॉट करेक्ट है पहले ही, क्योंकि ये वॉर में बिलीव नहीं करते थे तो वेपन क्यों बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड दे वेयर द फर्स्ट ब्रॉन्ज यूजर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड स्टार्टेड टू यूज द मेटल कॉयन। देखो ब्रॉन्ज तो यूज़ करते थे लेकिन मेटल कॉयन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। हाँ ये मेटल सील्स जरूर यूज़ करते थे, ठीक है, सील्स को ट्रेड्स में एज ए जो है कि यूज़ करते थे, लेकिन इनका कॉइन जो है कॉइन ये नहीं यूज़ करते थे, वो मेटल कॉइन। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है। थर्ड बोल रहा है कि द टेराकोटा पीस रिप्रेजेंट द सफोस्टिकेटेड आर्टिस्ट वर्क्स ऑफ द हरप्पन। देखो टेरा सफोस्टिकेटेड आर्टिस्ट, सफोस्टिकेटेड नहीं रफली बनाते थे। इनका टेराकोटा का अगर इमेज देखें तो रफ इमेज बना हुआ है, ऐसा नहीं कि वो पूरा वेल डिजाइंड है, वेल प्लान्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ करेक्ट पूछ भी रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंट सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर। देखो जो सील्स मिला है एंड टेराकोटा आर्ट्स मिला है उस पर कह रहा है किस पे जो है इस कौन से एनिमल्स का इमेज नहीं है। देखो इस पे जो पशुपति मिले हुए हैं उस पे भी हमने देखा है कि सील्स पे चार एनिमल जो हैं यहाँ पे हैं और दो डियर नीचे है, ठीक है, लेकिन काऊ का इमेज कहीं पे किसी सील्स पे नहीं मिला हुआ है। एलिफेंट का मिला हुआ, राइनो का मिला हुआ, टाइगर्स का मिला हुआ है, इनफैक्ट जो बुल्स थे बुल्स के सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि कौन कौन सा नहीं मिला हुआ सील्स पे इमेज, काऊ, कैमल, हॉर्स, लायन, अगर इन चारों का दे दे एग्जांपल कि ये मिले हुए हैं तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ना काऊ का मिला है, ना कैमल, ना हॉर्स का, ना लायन का। इनका जो है इवन कैमल का एविडेंस मिला हुआ है लेकिन सील्स पे इनकी इमेज नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। वन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया द फर्स्ट मॉडर्न अकाउंट फॉर द रियूस ऑफ द आईवीसी आर दोज ऑफ द अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। सेकंड बोला इन द लेट हरप्पन स्टेज द डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर स्टार्टेड। ये तो कॉमन सी स्टेटमेंट है कि लेट हरप्पन में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड बोला द मार्बल्स बॉल्स एंड डाइस वेर यूज फॉर द गेम्स इन आईवीसी सिविलाइजेशन। देखो वहाँ के जो चिल्ड्रंस थे उनको ये माना जाता है कि जो मार्बल्स मिले हैं, जो बॉल्स मिले हैं, डाइस मिले हैं, इससे पता चलता है कि वो इसको एज ए गेम्स में खेलने की तरह यूज़ करते थे। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहले चार्ल्स
जो है मैसन ने इसको रूंस किया था, ना कि इसको रून किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरप्पन स्क्रिप्ट। हरप्पन स्क्रिप्ट के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज स्टिल टू बी फुली डेसिफर्ड। देखो ये हमें पता है कि अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। थर्ड बोल रहा है द स्क्रिप्ट इज लार्जली कनेक्टेड टू ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, जब स्क्रिप्ट कोई पढ़ ही नहीं पाया तो कौन सी लैंग्वेज है कैसे कोई बता सकता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ड्रेविडियन है, ये जो इनका स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो ड्रेविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हमारा। द स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जो इनका स्क्रिप्ट मिला है वो मोस्टली राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखे गए हुए हैं, जिसके बूस्ट्रोफेंडोन जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला करेक्ट है हमारा, ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट था द ब्रॉन्ज स्टैचू वेयर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। देखो लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है कि वैक्स का क्या करते थे कि एक वैक्स को ढालना ईजी होता था तो उनका एक जो है कि शेप बना देते थे वैक्स का। ठीक है, फिर उसके बाद जिसका मूर्ति बनाना है, मान लो ब्रॉन्ज का बनाना है, तो उसके ऊपर उसका लेप लगा देते थे, वेट लैप लेप। जब ये सूख जाता था तो इसमें कहीं होल होता था जिससे वैक्स को निकाल लेते थे, इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बोला डांसिंग गर्ल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है हमारा, हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कौन सा जो है आईबीसी का सही लोकेशन बता रहा है। पहला बोल रहा है बनेरी वाली हरियाणा में, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड बोला कालीबंगन पंजाब में, कालीबंगन पंजाब में नहीं, कालीबंगन राजस्थान में है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड बोला धौलावीरा गुजरात में, करेक्ट है। फोर्थ बोल रहा है जो शॉर्ट गुरही करके राजस्थान में, ये यहाँ पे नहीं है, ये है नदन अफगानिस्तान में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट, पहला एंड तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी।